Assalamualaikum, Rukhsar Educational Knowledge में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार और एक्सेल की दो अमेजिंग ऐसी ट्रिक लेके आई हूँ जो आपको मालूम नहीं होगी। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको ये ट्रिक जरूर नहीं मालूम होगी। इस वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक ताकि आपको ये दो ट्रिक आ जाए और आप इसे ऑफिस में या अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ये ट्रिक यूज करके आपका काम बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो जान लेते हैं पहले ये दो ट्रिक कौन सी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए जान लेते हैं आज की पहली ट्रिक कौन सी है। पहली ट्रिक, हमारे पास इस तरीके का डेटा दिया हुआ है, इस तरीके से कैंडिडेट एम्प्लॉय हाईलाइट करे हुए, इसमें इनका नाम है, ईमेल आईडी नंबर है। तो यहाँ में इन सभी एम्प्लॉय का डेटे, ये जो कलर हाईलाइटेड एम्प्लॉय है, इन सभी एम्प्लॉय को हमें टॉप में लाइन से आईडी नंबर वाइज लाना है। कैसे लाएंगे, ये आज की पहली ट्रिक है। तो ये ट्रिक नहीं करते हुए लोग कैसे करते हैं, एक एक ऐसे ट्रिक, एक एक ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी करके ऐसे पेस्ट करते हैं। तो ये कैसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, कंट्रोल सी से कॉपी किए फिर इधर पेस्ट किए, ऐसे लोग सारे डेटा को लाइन में लाते हैं, मोस्टली लोग चला। तो इसे ना ऐसे ना करते हुए हम इसे एक नई ट्रिक जानेंगे जिससे ये सारा डेटा एक सेकंड में पूरा ऑटोमेटिक लाइन में ऊपर अरेंज हो जाए आईडी नंबर वाइज और हाईलाइटेड सेल टॉप में शो। तो ये कैसे करेंगे ये जान लेते हैं, ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कीबोर्ड में है, कंट्रोल ए से पूरे डेटा सिलेक्ट हुआ। उसके बाद हम कीबोर्ड में से ही ऑल्ट प्लस ए एस एस, तो हमारे सामने शॉर्ट का ये कमांड ओपन हुआ। उसके बाद हम इधर पे आईडी नंबर ले लेंगे, आईडी नंबर इधर पे सेल कलर चाहिए तो कलर लेंगे, वैल्यू वाइज चाहिए तो वैल्यू लेंगे, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो लेंगे। तो मैं कलर ले रही हूँ, इधर पे कलर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से ग्रीन, मेरे को ऊपर ग्रीन चाहिए। और टॉप में चाहिए हमें ये डेटा, हम टॉप लेंगे। अगर हमें बॉटम में चाहिए पूरे डेटा के एंड में कलर, मतलब हाईलाइटेड लॉयर हाईलाइटेड कैंडिडेट का नाम चाहिए, तो हम नीचे बॉटम में भी ले सकते हैं और अभी टॉप में लेके बता रही हूँ। और इसे हम ओके कर, इधर टॉप ली फिर ओके करेंगे तो ये हमारा सारे डेटा जो हाईलाइटेड एम्प्लॉय थे कैंडिडेट थे उनका सारा डेटा हमारा हाईलाइटेड टॉप में शो हो गया। तो ये एक बहुत अमेजिंग ट्रिक थी आज की एक्सेल की, जो बहुत सारे एक्सेल यूजर नहीं जानते और ये एडवांस एक्सेल में भी यूज होती है, आपको ये जानना चाहिए। अगर जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें ये वीडियो शेयर करके उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देना। अगर हमें यही पूरा हाईलाइटेड सेल बॉटम में चाहिए तो यही सेम करेंगे, कंट्रोल एस से डेटा सिलेक्ट करें, इसके बाद वही ऑल्ट ए एस एस कीबोर्ड से प्रेस किए, ऑल्ट ए डबल एस, ये आईडी नंबर वाइज चाहिए भी जैसा चाहिए वैसा किए और यहाँ बॉटम किए, तो ये सारा हमारा ऊपर से टॉप से हट के बॉटम में शो हो रहा है। ये पूरे हमारे कैंडिडेट या एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन यहाँ से, यहाँ पे ऊपर हाईलाइटेड हट गया और नीचे हाईलाइटेड कैंडिडेट शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक साथ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम करें और हमारा 1000 डेटा रहा, 1000 कैंडिडेट, 1000 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा एम्प्लॉय का डेटा रहा, तो हम इसे ट्रिक इस्तेमाल करके, ये शॉर्टकट इस्तेमाल करके करेंगे तो हमारा डेटा बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में हो जाए। ये थी हमारी पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक जान लेते हैं। दूसरी ट्रिक भी सेम ऐसी इंटरेस्टिंग है। दूसरी ट्रिक है, हमारे पास इस तरीके का डेटा दिया है जिसमें नेम है और फर्स्ट नेम, नेम हमारे पास नेम के साथ सरनेम लगा हुआ है, नेम सोनू शेख, तो ये है फुल नेम, फुल नेम नहीं नेम भी सरनेम, तो हमें खाली फर्स्ट नेम चाहिए सभी एम्प्लॉय का, सभी कैंडिडेट का हमें फर्स्ट नेम चाहिए सिर्फ, तो हम ये कैसे निकालेंगे। तो ये जान लेते हैं, ये हमारी सेकंड ट्रिक है कि हम कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम कैसे निकालें। इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले इक्वल टू की साइन डालेंगे, इक्वल टू की साइन डालने के बाद हम लेफ्ट ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का आपको फर्स्ट नेम निकाल के चाहिए उसे सिलेक्ट करें, उसे सिलेक्ट करने उस सेल को सिलेक्ट करें, उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद हम फाइंड कमांड का इस्तेमाल करेंगे, FIND फाइंड फिर हम कॉमा डालेंगे और फाइंड का इस्तेमाल करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन किए फिर हम इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा इतना डालें, फिर कॉमा डाल के फिर से यही सेल सिलेक्ट किए जो भी नेम का आपको फर्स्ट नेम चाहिए, फिर हम इसे डबल ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि हमने दो बार ब्रैकेट ओपन किया था, तो डबल ब्रैकेट बंद किए फिर एंटर करें तो हमारा फर्स्ट नेम आ गया, नेम है सोनू शेख तो उसका सोनू फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम निकल के आया। इसे पूरे में फिल करने के लिए हम डेटा सिलेक्ट किए, पूरा कॉलम सिलेक्ट किए जितना जहाँ तक का डेटा है वहाँ तक का सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी, सभी एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम इधर पे निकल के आ गया हमारे सामने। तो ये थी सेकंड ट्रिक, ये भी बहुत लोग बहुत से एक्सेल यूजर्स को नहीं मालूम होती है और एक एक नाम टाइप करते हैं लोग, तो ऐसा ना करते हुए ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप अपने बड़े से बड़े डेटा का फर्स्ट नेम इजिली आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड ट्रिक थी और आज की इस वीडियो में मैं ये तो थी कि आपके लिए लेके आई थी, आने वाली वीडियो में आपको ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मिल करेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और लाइक करें, और जिन्हें ये ट्रिक्स नहीं मालूम है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू सुनिंग नेक्स्ट वीडियो, बाय।